दादी ने अपनी नई साड़ी पहन डाली बहुओं को पीछे छोड़ते हुए। दिखा तो अपनी साड़ी जा, दिखी नहीं। अभी बहुओं से पीछे कहाँ छोड़ेंगे, यहाँ से झोल पड़ा दिया ना, ये पूरा ना यहाँ से उठा देता है आपको। मतलब दोनों बहुए, अरे दोनों सास बहू सोने से लगाए हुए हैं। सोना आप कान में का सिर्फ पहने, मैं ही पहनू ना, जब से सोच रही हूँ। जब वीडियो देखेंगे तब मेरे को कहेंगे कि अब कुछ ज्यादा ही हो गया है इसका, हर उस पे पहन डाल रही है। कैसे सधेगा मम्मी, नहीं पहनेंगे तो उनको पता नहीं। वो फिर आगे नंबर साड़ी ले लो सकी ना। मम्मी मम्मी धनी क्या नहीं लगाया, आई शेडो तो लगाया ही नहीं मम्मा आपने, और जो आँखिया के ऊपर कलर फुल ना लगा चला हुआ जब भुला कोई नहीं लगा वाले करके। मम्मा अभी पहले डायनासोर ही दिखा देंगे, जहाँ जा रही पहले वहाँ जाओगी। सो मैं आपको अपनी ये रिंग्स दिखा रही थी, इन तीनों रिंग में से आपको सबसे अच्छा डिज़ाइन कौन सा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। मेरा तो है जो सबसे बड़ा वाला है, वो वाला डिज़ाइन मेरा फेवरेट है। और बाकी बस हम लोग थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, घर से निकली थी चहकते हुए, यहाँ तक आते आते मुंह बन चुका है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी मैं बैठे 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 बैठे। हम लोग कहाँ जाते हैं, मैं अपने घर जाऊँगी और ज़्यादा से ज़्यादा मामा जी के घर, बस इसके अलावा हमारा और कहीं जाना आना होता ही नहीं है, बॉडी को आदत ही नहीं है बिल्कुल भी। और फिर एकदम से कहीं जाना आना पड़ता है ना, तो मैं ऐसा पड़ता है ना कि दो दिन तक तो बेड पकड़ लेते हैं, ऐसा हो जाता है कि बस क्या ही बताऊँ। बहुत दूर है मम्मी, बहुत दूर है, बहुत दूर नहीं है, पर अब आए हम बहुत दिन मिला। मैं तो दो ही बार गई हूँ, आज दूसरी बार जा रही हूँ। गाइस पता नहीं, शायद बहुत टाइम बाद इतना लंबा सफ़र कर रही हूँ, इतना दूर लग रहा है मुझे बिल्कुल, मेरा मन ख़राब हो गया गाड़ी में, ऐसा ना वॉमिटिंग जैसा हो गया अजीब सा ही। मम्मी और भैया गए हैं फल फ्रूट लेने के लिए, मैं गाड़ी में ही बैठी हूँ, धनवी भी गई है साथ में, और पहुँच गए हम लोग, बस दो तीन चार कदम पीछे हैं और बस पहुँचने वाले हैं। थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है, बट बड़ा अजीब सा लग रहा है, शायद इतने साल हो गए सबसे मिले हुए। कुछ लोगों से तो अभी 10-15 दिन पहले मिल ली हूँ, बट अभी भी बहुत बड़ी फैमिली है भाभी की, और आस पड़ोस बहुत सारे लोग तो कई सालों, 2.5-3 साल बाद, तो थोड़ा सा अंदर से ना अजीब सा हो रहा है। कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, वो तो मैं अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रही हूँ वर्ड्स के थ्रू, बट अजीब सा लग रहा है। और धनवी तो मुझे लग रहा है शायद पहली बार जा रही है, शायद याद नहीं आ रहा, नहीं तिलक में, हाँ धनवी हो गई थी तिलक में, आई थी धनवी, हाँ दूसरी बार जा रही है, एक्साइटेड है वो, ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि पूजा की जो बेटी है ना धनवी, और क्या नाम है उसका नाम, वानी, हाँ शायद वानी या कुछ ऐसे ही नाम है, तो उससे मिलने के लिए वो ज़्यादा एक्साइटेड है, और अपने भैया से मिलने के लिए एक्साइटेड है बस। बाकी पहुँच के और फिर देखते हैं, ब्लॉग ऐसा कोई है नहीं, मेरा कैमरा तो मैं किसी को ही पकड़ाऊँगी, लेकिन देखती हूँ अगर किसी को पकड़ा के थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर पाई तो ज़रूर करूँगी आप सभी के लिए, बाकी नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं। नहीं करा रही है कंगी, नहीं करा रही है, पहनी है मैचिंग मैचिंग।
का ही नहीं मैच कर रहा है, अपने आप को तसल्ली मत दो, रेड और पिंक मैच कर रहा है। देखो तो क्या चमक रहा है, बड़ा आए थे पापा बन के ससुरारी लागा तो लगा हमें ड्राइवर रख के लेके आए हैं हम दोनों तो सही बात को तो सही बोलूंगी, आपके बेटे हैं तो क्या हुआ, जो बात सही है वो सही है। भैया आपको देखे नहीं, मम्मा को देख के खुश हुआ। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा अभी रुक जा, भैया इधर से आओ गोदी लेने, इधर से जाओ उधर। बाबले भरत बाबले बाबले, ओ ओ पहले हक तो कर लो भैया आप तो। अरे रुको भैया थोड़ा गोदी ले रहे धनी, अभी रुक जाओ, अरे रुक जाओ दोनों रुक जाओ। ओ मम्मी वो देखो थोड़ा, कितने दिनों बाद मिल रहे हो, आपके लिए लाई है। कैसा हो गया बाबू, धानी आ गई। आपने बोला कि इतनी लंबी नहीं है, ये देख मम्मी आ रही है पीछे से, चाची भाग भाग के आ रही है। चीजा जा 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 ये तो मिले ही नहीं है, आप तो मेरी क्या बोल लग रही है। अरे आज पूरी पार्टी होगी, ये देखो ये देखो ना जरा, और पानी की आओ मैं कुत्ते का जान तुमको मार दूंगा। ओ भाई ये देखो अपनी फ्रेंड पार्टी चीज दे दे, बबली धनी इधर आओ, धनी इधर आओ, मम्मा पास ले, मम्मा पास आओ, यहाँ खड़े हो, अरे अभी यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, ऐसा करोगे एक फोन में बोला दे, सुनो सुनो बाबू इधर आओ, कहाँ गई वो धनी, कहाँ गई धनी, कहाँ गई धनी, कहाँ है, कैसे हो, क्यों, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप नहीं खुप रहे सब, मम्मी इसका सुबह से वो कह रही कहाँ गई, ये रही ये रही, अच्छा वो लास्ट में क्या लगा था, वो कह रही कि मेरे को करो साथी मेरे को इधर आओ, दो बार आया आपने लेनी मुझे आंटी मिले घर में, मुझे दिक्कत नहीं हो गया, मैं बहुत बिजी हूं, मेरे दो नहीं बार आ रहे, सुनो 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 एक बार सारे यादी सुन लो, बिट्टू इधर आ जाओ, एक बार बोलो हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू, आ जाओ भावना का, भैया फोन पकड़ ले,
अच्छा खेल लो खेला खत्म जा रोऊंगा फिर रोऊंगा खैर बस फिर पास वाली ये तो बहुत दूर है फतेहपुर तो बहुत पास है बदरपुर भी नहीं है यही है चाची का है चाची के पीछे हम अभी यार मैंने बस हो गया है वहां पे झाड़ू मारू सब इसीलिए बोलती हूँ दिन भर खेलता रहेगा तो यही होगा मम्मी सुंदर मेकअप तो नहीं करवा सुंदर हम लाइन में गई अभी से कहां से मम्मी के लाइन में की हो गए तो हम लोग पहुंच चुके हैं और सच बताऊं तो ये सारी चीज़ें जो भी मेरे साथ हुई ये सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी मेरे लिए यार इंसान को क्या चाहिए होता है बस हम सामने वाले को रिस्पेक्ट दें और सामने वाला हमें रिस्पेक्ट दें हर एक इंसान को पता होता है शादी ब्याह का घर है तो कोई आपके ऊपर ही नज़रें टिका के नहीं रखेगा आपको ही स्पेशल फील नहीं कराएगा बट हाँ बस थोड़ा सा यही तो उम्मीद होता है ना कि हाँ अगर हम कहीं ऐसी जगह गए हैं जहाँ हम किसी को नहीं जानते हैं तो वहाँ जो हमारे अपने हैं वो हमारे लिए खड़े रहें स्पेशल फील कराएँ तो जो आज मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई मैं सच बताऊँ मेरे लिए बहुत बहुत मुझे अच्छी लगी बिकॉज़ मैं खुद ही ऐसी लड़की हूँ ना कि मैं जब मेरे घर कोई आता है ना तो मैं अपने एक पैर पे खड़ी रहती हूँ कि उसको बस अच्छा लगे तो बस मेरी भी थोड़ी सी उम्मीद सबसे रहती है ऐसा नहीं है इनसे नहीं रहती इन सबसे ही रहती है ना कि हाँ जब मैं सामने की सबके लिए इतना कर रही हूँ ना तो मेरे लिए भी कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए और बाकी तो कुछ नहीं जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची पानी वानी पिया तो सब ने बोला कि ये रस्म जो उपटन हमारे यहाँ लगता है दुल्हन को लगाने के लिए तो यहाँ पे बैठ के उपटन लगा रहे हैं आरती ने जैसे ऐसे हक करके एकदम से रोने लग गई थी ना तो बस क्या बोलूँ मतलब इतना मुझे अच्छा लगा था ना बहुत अच्छा लगा था यार क्योंकि एक जो उस रिस्पेक्ट प्यार चाहत जो उसकी नज़रों में थी कि दीदी आए शादी में वो सारी चीज़ें देख के साफ पता चल रही थी कि बहुत इच्छा है उसकी और बस इसी उससे ना मुझे था कि ठीक है यार कोई बात नहीं जो हुआ जैसे हुआ छोड़ो ख़त्म करते हैं और चलते हैं एक नई शुरुआत करते हैं तो बस मैं आ गई लेके नहीं आऊंगी मम्मी ये बहुत सारा खरीदी थी ना पहले जरा जल्दी चाची का विश करो हैप्पी एनिवर्सरी विश करो हम तो नहीं सकते चाची जी हैप्पी एनिवर्सरी थैंक यू मतलब हम किसी टाइम तक मेकअप खराब हो जाए मुझसे ज्यादा ग्लो कर रही है तुम्हारा दिन है
अभी आने वाले एक साल तक चमकोगी, उसके बाद फिर आ जाओगी इसी रूप में जिस रूप में अब एक साल तक खूब चमकाई चमकना। पता चली 6 महीने के बाद ही रंग ढंग सब। बहुत सारे लोग 6 महीना भी नहीं करते हैं, पहले पूछ लेते हैं कौन करते हैं 6 महीने बैठ के खाए। अभी पूरा नहीं हुआ, काम करो ना। इतने अच्छे से सब तैयार व्यार होके आई थी, यहाँ पे भावना आ गई, नहीं दीदी आपका हेयर स्टाइल चेंज करती हूँ, नहीं दीदी आपको थोड़ा ऐसे कर देती हूँ, और ये लग गई कि नहीं दीदी सब लोग ऐसे रेडी हुए हैं, थोड़ा सा आप भी कुछ कर लो, और उसने मेरे हेयर स्टाइल को चेंज कर लिया एंड जो मेरा लुक है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। पता नहीं आप सबको ये लुक पसंद आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज मेरे पति देव को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया था, वो कह रहे थे कि आपके ऊपर ये कर्ल्स हेयर अच्छे नहीं लग रहे हैं, बाकी आप लोग बताइएगा। यहाँ तक कि मेरी जो साड़ी ड्रेप है वो भी सबने मिलकर चेंज करा दी कि नहीं दी मटकोर है तो ऐसे करके पहनो। मैं ना बहुत लिमिटेड चीज़ आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपना अपना ही शेयर कर रही हूँ, बाकी किसी का कोई भी चीज़ मैं रिवील नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहती किसी भी चीज़ को लेके कोई भी चीज़ें हों, तो इसीलिए आपको ज़्यादातर जो मेरे मैं जो चीज़ें कर रही हूँ वही आपको नज़र आ रही होंगी। एंड गाइस 2 बजे का टाइम था मटकोर का, लेकिन इतना सब कुछ लेट हो गया था ना कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं टाइम से घर जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि एक छोटा सा केक तो हम हस्बैंड वाइफ साथ में मिलके काट ही लेते सोचा था, बट पता नहीं कैसे होगा क्योंकि 4, 4:30, 5 बजे तो माटी को उड़ाया था, बाकी विधि विधान कैसे क्या होगा, कब घर जाऊँगी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर आके बैठी हूँ, थोड़ी देर में जो रिचुअल्स वगैरह वो सब शुरू होंगे। यही आपकी फैन अच्छा बता रही थी कैसे है बस। आप कितनी पतली हो, छोटी हो गई पहले से? और वो कहाँ है छोटी? हाँ वो तो जब से आई है तब से पता नहीं चल रहा है कहीं घूम रही है। दीदी ये शायद कंपनी का नंबर है। अब बाल्टी करो Thank you.